बैरूत में हुए भयानक विस्फोट के बाद कई देश मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस जैसे कई देशों की तरफ से मदद भी पहुंच चुकी है। वहीं रविवार को फ्रांस की पहल पर कॉन्फ्रेंस कॉल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई देशों के नेता कॉल से जुड़ेंगे। इस बीच नासा ने धमाके की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें जारी की हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति 80 बिलियन डॉलर की है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा ब्रांड करार दिया गया था। मुकेश अंबानी अब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति के करीब पहुंच चुके हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनाए गए कोविड सेंटर में अचानक आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 30 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, राहत बचाव का काम जारी है। होटल को एक अस्पताल द्वारा कोविड सेंटर सुविधा के रूप में प्रयोग में लिया गया था, जिसके बाद आग लगने से यह हादसा हुआ। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि अभिनेता की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल की देखरेख में रखा गया है। वहीं इससे पहले कोरोना वायरस ने बॉलीवुड में दस्तक दे दी है। बॉलीवुड के कई दिग्गज अभिनेता इसकी चपेट में आ चुके हैं। शुक्रवार को ICC की बैठक में 2021 में होने वाले महिला विश्व कप को फरवरी मार्च 2022 तक स्थगित किया गया है। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना के चलते ICC ने यह निर्णय लिया है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट की टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि मैं 2022 में विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। नागरिक उद्यान मंत्री हरदीप पुरी ने केरल में घटित हुए एयर इंडिया विमान के हादसे वाली जगह का दौरा किया। शनिवार को हुए दौरे के बाद उन्होंने बताया कि घटना स्थल से 2 ब्लैक बॉक्स बरामद किए गए हैं। उन ब्लैक बॉक्स में डेटा का विश्लेषण करने के बाद ही हादसे का सटीक कारण सामने आएगा। मध्य प्रदेश में मॉनसून का कड़ा प्रहार देखने को मिला है। भोपाल समेत 5 संभागों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा दी गई है। वहीं प्रदेश के 19 जिलों में लगातार बारिश के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुशांत सिंह केस में नया खुलासा हुआ है। सुशांत के पिता ने FIR दर्ज कराते हुए सुशांत की गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर ब्लैकमेलिंग और पैसे हड़पने का मामला दर्ज कराया है। इसके बाद रिया और सिद्धार्थ पिठानी के बीच व्हाट्सएप कॉल की जानकारी सामने आई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती ने पिछले 1 सालों में 101 बार कॉल किया था। रक्षा मंत्रालय आत्मनिर्भर बनने को तैयार है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा क्षेत्र में 101 उपकरण भारत में ही बनेंगे। साथ ही कहा कि रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा कदम है। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता प्रकोप, ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार इंदौर में 173 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है।